अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना है और तीसरा आशरा चल रहा है जो कि निजात का आशरा है। तो हमने इसमें अफ्तारी बनाई और अफ्तारी में हमने पुलाव बिरयानी बनाई और बहुत ही झटपट बन गई। तो आइए चलें, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसके लिए हमने लिए थे जी 2 किलो टमाटर, ठीक है, जिन्हें हमने यूँ बारीक बारीक काट लिया था। और बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही क्विक बन जाती है। और हमने तो लिया था नेशनल का पुलाव मसाला, लेकिन पुलाव के बजाय फिर हमारा दिल किया कि हम इसको बनाते हैं बिरयानी। तो ये कुछ बन गई इस तरह से पुलाव बिरयानी। और जी ये टमाटरों की कटाई हो रही है और ये बहुत अच्छे बड़े बड़े सुर्ख टमाटर थे और बहुत अच्छा इनसे मसाला बना था, बहुत लाल कलर आया था इनका। और 1 से 1.5 किलो हमने लिया था प्याज, उसको भी हमने बारीक बारीक काटा हुआ था। और इसके लिए हमने लिए थे 4 किलो चावल, बासमती चावल थे, 180 उनका रेट था। और 4 किलो हमने ली थी चिकन और वो हमें गोश्त पड़ा था जी 1600 में। और हमने पुलाव बिरयानी मसाला लिया था जो कि था डबल पैक। ये देखें जी, ये टमाटर जो हैं वो कट चुके हैं। और ये देखें, ये बाकी सामान है, ये 4 पैकेट चावल के हैं और ये साथ में मसाला है। और ये हमने 1 किलो तेल लिया था सोफी कुकिंग ऑयल। और ये 4 किलो गोश्त है। और ये जी कुछ हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 20 से 30 हैं। और ये जी हमने निकाले चावल, इनको हमने कर लिया साफ़, और साफ़ करने के बाद हमने इनको भिगो दिया, क्योंकि चावलों को पहले भिगो दिया जाए आधे घंटे के लिए थोड़े से नीम गर्म पानी में, तो चावल जो है वो फूल जाते हैं और अच्छे बनते हैं ज़्यादा। ये आप देखें, बहुत ही पतला नफीस लंबा चावल है। ये हमारा हैप्पी स्टोर, ये पीछे हमारे है जनरल स्टोर, यहाँ से हम लोग लेते हैं। अब तो प्राइसेस बढ़ गई, ये भी 180 का हो गया है 1 kg। और फिर ये सारा कुछ करने के बाद हमने प्याज को चढ़ाया चूल्हे पर, उसमें वो 1 kg हमने तेल डाला और प्याज को हमने भुनाई करनी शुरू की। और ये जी हमारा बेबी है ज़यान, माशाल्लाह, इसको हमने भेजा था कि ये जो है ना डस्टबिन में फेंका और वो सारे उसके हाथ से गिर गए इसी तरह। जी ये हमने अपना जो है वो चढ़ा दिया प्याज ऊपर चूल्हे पर। और ये तकरीबन 1 किलो से 1.5 किलो तक प्याज हमने काटा था। और इसको हमने जी करना है ब्राउन, जब तक इसका ब्राउन गोल्डन सा कलर आ जाए। और फिर हमने जी डाले थे इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, मसाला जो हमने लिया था नेशनल का, और हमने डबल पैक डाल दिया था। और जब टमाटरों का मसाला का जो कलर आया था उसी को देख के जो है वो हमने जब चिकन की भुनाई हुई, बहुत अच्छा माशाल्लाह बना। और फिर उसके बाद हमने जो है वो हमारा दिल किया कि हम ना पुलाव के बजाय बिरयानी बना देते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्याज हैं ये हो रहे हैं और ये जो चावल थे ये मैं धो रही थी, इसको साफ, इसको पानी से साफ़ कर रहे थे हम लोग। तो चावलों को मैंने धोया था और धोने के बाद मैंने इनको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अच्छी तरह से आपने धोना है ताकि जो मिट्टी है वो सब जो है वो निकल जाए
पानी जो है वो एकदम साफ हो जाए। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप हमें ज़रूर फीडबैक में बताइएगा, अपने घर में ज़रूर बनाइएगा इसको, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की पुलाव बिरयानी बनी थी। तो इधर मैं ये पुलाव जो है वो इधर मैं ये चावल जो है वो धो रही थी इनको, फिर मैंने भिगोया था, और उधर जो है वो मसाला सारा तैयार हो रहा था। और ये देखें जी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये तकरीबन हमने 4 चम्मच लिया था, और ये प्याज का कलर देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो फिर हमने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया था, फिर टमाटर डाल दिए थे, इसका सारा मसाला बनाया था, फिर उसके बाद हमने चिकन डाला था, और चिकन के बाद हमने जो है वो उसकी भुनाई की थी बहुत अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद चूंकि चिकन बड़ा था माशाल्लाह, सही बड़ी बड़ी उसकी टांगें थीं, तो उसके लिए हमने इसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा पानी डाल दिया था, उसको गलाने के लिए रख दिया था कि बोटी गल जाए। और दूसरी तरफ फिर हमने जो है वो चावलों का पानी चढ़ाया था, और उसके अंदर चावल डाले थे, उसमें मैंने हरी मिर्च डाली थी, उसमें गरम मसाला डाला था, और वहाँ पर हमने चावल उबाले थे चूल्हे पर। और ये मेरा भाई जो है वो बना रहा है इधर, मैं तो उधर चावलों का कर रही थी, और माशाल्लाह से अच्छी कुकिंग करते हैं। तो ये इनका चैनल है, आप लोग देखिएगा इस चैनल को, वीडियोस देखिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और ये देखेंगे मसाला बन रहा है, और फिर हमने चावल भी उबाल लिए थे, सब कुछ कर लिया, और फिर उसके बाद हमने जो है ना, फिर आप देखिएगा हमने इसका दम लगाया, ये थोड़ा सा पानी डाला है ताकि टमाटर जो है ना गल जाएं। फिर हमने उसका दम लगाया था, और फिर हमने उसमें, हाँ जो हमने पानी मैंने उबाला था, फिर मैंने पुदीना भी डाला था, हरा धनिया भी डाला था, इधर चिकन के सालन में भी हरा धनिया डाला था, और जो है वो दम लगाया था, उसमें हमने येलो फूड कलर भी डाला था, और बहुत ज़्यादा हमने लाया नहीं था दम के टाइम पे, क्योंकि फिर चावल टूट जाएंगे। ये मसाले डाल रहे हैं, तो ये बहुत मज़े की पुलाव बिरयानी बनी थी, क्विक सी बन गई थी, फ़ौरन से झटपट बन गई थी। जो है वो फिर उसके बाद हमने पैक किया था इसको, अच्छा पैक करने के लिए हमने सामान लिया था, हम लोग 25 प्लेट लेकर आए थे, और 25 साथ में चम्मच भी लेकर आए थे। अच्छा चम्मच जो है वो 5 रुपये का एक मिला था, और जो प्लेट थी वो 10 रुपये की एक मिली थी। और फिर साथ में हम रैपिंग शीट भी लाए थे, जो कि हमें 200 की मिली थी, और यह सामान हमने सेव मार्ट से लिया था, उसमें हमने पैक किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई जो हैं वो देने चले गए थे, लोगों में तकसीम कर दिया था हमने जाके। और एक टाइम तो ये आया कि हम जो है वो ख़त्म हो गई, प्लेट्स ख़त्म हो गई, और लोग बहुत ज़्यादा आ गए, तो चलो जिनकी किस्मत में था, नसीब में था, उनको मिल गया। और अल्लाह ताला हमारी ये अफ्तारी कबूल करे, हमारी यही दुआ है। तो आप ये देखिए आगे आगे रेसिपी, और पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल मुजाहिद अली ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई अपडेट्स वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और बस मेरी तो यही आपसे गुजारिश है, तो चलें ठीक है, आप लोग आगे बकिया रेसिपी जो है ना देखें। अल्लाह हाफिज़।